गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 7 इंडिगो, जो लुई फिशर द्वारा लिखा गया है और गांधी जी की बायोग्राफी का उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो इंडिगो से जो किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी जमींदारी प्रथा से बिहार के चंपारण जिले में, तो ये एक इतिहास में चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उनको 15% होल्डिंग लैंड पर इंडिगो की हार्वेस्ट है वो ग्रो करनी पड़ती थी और रेंट के रूप में वो सरेंडर करनी पड़ती थी जमींदारों को। तो नेक्स्ट आगे देखिए, प्रजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न, प्रजेंटली मीन्स बिल्कुल उसी समय जब गांधी जी चंपारण पहुँचे थे, बिल्कुल उसी समय द लैंडलॉर्ड्स लर्न, जमींदारों को पता चल गया, लैंडलॉर्ड मान जमींदार, लर्न मानी पता चल गया, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने विकसित कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो यानी कृत्रिमय नील। तो जमींदारों को तो ये सूचना मिल गई कि जर्मनी नामक कंट्री ने विकसित कर लिया है, बना लिया है कृत्रिम नील। दे देर अपोर, अब ध्यान से समझिए, दे वर्ड आया है लैंडलॉर्ड्स के लिए और देर अपोन मानी इसके बाद, जब उनको जानकारी मिल गई तो उसके तुरंत बाद, ऑब्टेंड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जब बटाईदार किसानों से जमींदारों ने एक और समझौता है वो किया, एग्रीमेंट मानी समझौता, शेयर क्रॉपर्स मानी बटाईदार किसान, क्या समझौता किया, टू पे देम कंपेसेशन, कि उन्हें जो घाटा हो रहा है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि आपको 15% वाला जो इंडिगो की फसल उगाने वाला समझौता था उससे आपको मुक्त किया जाता है, और वो 15% से आपको मुक्त करेंगे तो हमें जो कंपेसेशन होगा, जो घाटा होगा उसकी पूर्ति करने के लिए आपको कैश में, नगद में पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक नया समझौता किया, जमींदारों को जब पता चला कि कृत्रिम नील है वो जर्मनी ने डेवलप्ड कर लिया है, तो 15% जो किराए के रूप में इंडिगो हार्वेस्ट आती थी वो देने की आवश्यकता नहीं, उससे हम आपको मुक्त कर देते हैं। तो ये अंग्रेजों की एक और चालाकी थी भारतीय गरीब किसानों के साथ, तो 15% इंडिगो हार्वेस्ट की जगह आपको कैश पेमेंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरक्सम, इरक्सम का मीनिंग लिख लीजिए कष्टदायी, और अरेंजमेंट मानी समझौता। तो शेयर क्रॉपिंग के साथ जो अरेंजमेंट किया था ये इरक्सम टू द पीजेंट्स, ये किसानों के लिए बहुत ही कष्टदायी और पीड़ापूर्ण था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, लेकिन बहुत सारे किसानों ने स्वेच्छा से उस पर सिग्नेचर कर दिए, साइंड मानी हस्ताक्षर कर देना, विलिंगली मानी स्वेच्छा से। अब लग रहा होगा कि उन्होंने क्यों कर दिया ऐसा इच्छा से साइन, क्योंकि भारतीय किसान तो अनपढ़ थे, उनको नहीं पता था, वो तो इससे खुश हो गए कि आपको 15% जो ज़मीन है उस पे जो इंडिगो की हार्वेस्ट करते थे उससे छुटकारा मिला। अब उनको, अनपढ़ किसान थे, उनको अंग्रेज़ों की जो चालाकी थी उसका पता नहीं चला। दोज हु रेजिस्टेड, कुछ किसानों ने उनका किया रेजिस्टेड, विरोध किया, इंगेज्ड लॉयर, और अपना मुकदमा लड़ने के लिए उन किसानों ने लॉयर हैं उनको ले लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जमींदारों ने किराए पर ले लिए ठग, ठग यानी बदमाश व्यक्ति। मेनवाइल, इसी दौरान,
द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, इसी दौरान कृत्रिम नील की सूचना है, सिंथेटिक इंडिगो की सूचना है, वो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, वो पहुंच गई भारतीय अनपढ़ किसानों के पास। हु हैड साइंड, जिन्होंने हस्ताक्षर किए। अब ध्यान से समझिए, जो फर्स्ट लाइन आई थी इस पैराग्राफ की, एंड दे वॉन्टेड देयर मनी बैक, और इसलिए वो अपना पैसा वापस मांगने लगे। मनी बैक मानी पैसा वापस, वॉन्टेड मानी चाहने लगे। तो अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं हम कि जो नया समझौता हुआ वो किसानों के लिए कष्टपूर्ण क्यों था, क्योंकि मार्केट में अब कृत्रिम नील है, सिंथेटिक इंडिगो है, उसका प्रचलन बढ़ेगा, और अंग्रेज़ों ने यह धूर्त चालाकी की और उनको पता नहीं चलने दिया, इसलिए कुछ किसानों ने स्वेच्छा से साइन कर दिया, और जिन्होंने साइन नहीं किए उन्होंने लॉयर हैं वो इंगेज्ड कर लिए, और लैंडलॉर्ड उधर है ठग हायर कर लिए, और किसानों के साथ जब ये सूचना पहुंची तो उन्होंने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और ये जब मुद्दा या पॉइंट चल रहा था, पॉइंट मीन्स बिंदु, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तब गांधी जी पहुँचे चंपारण, यानी ये मुद्दा जब स्टार्ट हो गया था तब जाके गांधी जी चंपारण पहुँचे। ही बिगन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, बिगन मानी शुरू हो गए, ट्राइंग मानी कोशिश करने लगे, फैक्ट्स मानी तथ्य। तो गांधी जी ने सबूत जुटाने, तथ्य जुटाने शुरू कर दिए, फैक्ट्स मानी जो प्रूफ होते हैं। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, सबसे पहले गांधी जी है वो ब्रिटिश जमींदारी संगठन का जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उसके पास गए। सेक्रेटरी मीन्स सचिव, और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन मानी ब्रिटिश जमींदारी प्रथा है, उसका एक एसोसिएशन था, संगठन था, और उसका एक सेक्रेटरी था, उसके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, तो सेक्रेटरी ने बताया गांधी जी को, दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर, कि वो बाहर के व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं देंगे। इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना, आउटसाइडर मानी बाहर की। गांधी आंसर्ड, और गांधी ने उसका उत्तर दिया, ही वॉज नो आउटसाइडर, कि मैं बाहर का व्यक्ति नहीं। तो सेक्रेटरी का तो कहना था यू आर नॉट ए रेजिडेंस ऑफ ए चंपारण, और गांधी जी कहता आई एम इंडियन, आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। तो सेक्रेटरी ने कहा हम बाहर के व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देंगे, और गांधी जी ने कहा मैं बाहर का व्यक्ति हूँ ही नहीं, मैं तो इंडिया का ही हूँ। लेकिन यहाँ बात नहीं बनी। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरुहत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, मीनिंग लिख लीजिए, कमिश्नर मीन्स आयुक्त, डिवीजन मीन्स संभाग, और डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, ले मीन्स स्थित होना। तो अगले दिन गांधी जी है वो तिरुहत संभाग के आयुक्त के पास गए, जिसके अंदर चंपारण जिला पड़ता है या स्थित है। तो तिरुहत संभाग में चंपारण जिला है, और वहाँ उसका आयुक्त, उसके पास गांधी जी मिलने गए। द कमिश्नर, तो जो आयुक्त था वहाँ का, उन्होंने गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने बताया, उसके पास गया तो कमिश्नर ने गांधी को क्या कहा, ये गांधी रिपोर्ट्स करता है, यानी बताता है राइटर लुईस फिशर को, क्या बताया। प्रोसीड, तो प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लीव तिरुवत,
उसने बताया कि इस प्रक्रिया में उसने मुझे बुल्ली किया, बुल्ली मीन्स धमकाना, थ्रीट करना, एंड एडवाइज्ड और सलाह दी कि फोर विद का मतलब तुरंत, लीव मानी छोड़ना, तिरुवत डिवीजन का नाम है। तो कमिश्नर ने मुझे धमकाया और सलाह दी कि इमीडिएटली तुरंत आप तिरुहत डिवीजन को छोड़। तो सेक्रेटरी ने तो कहा हम बाहर के व्यक्ति को सूचना नहीं देंगे। कमिश्नर ने कहा कि आप यहाँ तिरुहत डिवीजन को तुरंत छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए, गांधी डिड नॉट लीव, तो गांधी जी तिरुहत को छोड़कर नहीं गए। इन स्टीड का मतलब इसकी बजाय, छोड़कर जाने की बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वो तो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा और कहाँ चला गया, मोतीहारी चला गया, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की उस समय राजधानी मानी जाती थी, वहाँ पर गांधी जी चले गए। तो छोड़कर जाने की बजाय गांधी जी तो और चंपारण जिले के इनसाइड चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, अकम्पेंड मानी साथ साथ, बहुत सारे वकील, सेवरल लॉयर मानी, सेवरल मीन्स बहुत सारे, लॉयर्स मीन्स वकील, तो बहुत सारे वकील गांधी जी के साथ हो गए, हिम आया है गांधी के लिए। एट द रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, तो बहुत शानदार बड़ी संख्या में भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया, अभिवादन किया। ग्रीटेड मीन्स होता है अभिवादन करना, मल्टीट्यूड मानी बहु संख्या में। ही वेंट टू ए हाउस, वहाँ पर वो एक घर में गया, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उसे हेडक्वार्टर्स बना लिया। हेडक्वार्टर्स मीन्स मुख्यालय। तो गांधी जी मोतीहारी कस्बे में जाकर, यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, वो हेडक्वार्टर्स बना लिया उस घर को, और कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और उसने लगातार अपनी जांच पड़ताल रखी जारी। तो गांधी जी मोतीहारी कस्बे में जाकर एक घर को अपना मुख्यालय बना लिया, और उस मुख्यालय से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। इन्वेस्टिगेशन मानी जांच पड़ताल। ए रिपोर्ट केम इन, तभी एक रिपोर्ट आई गांधी जी के पास, दैट ए पीजेंट हैड बीन मल्टीटेड, कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मल्टीटेड मानी दुर्व्यवहार करना, इन ए नियर बाई विलेज, एक पड़ोस के गांव में। रिपोर्ट मीन्स सूचना मिलना, रिपोर्ट केम का मतलब है सूचना मिलना, कि पड़ोस में ही एक गांव है जहां दुर्व्यवहार किया गया है, बुरा बर्ताव किया गया है किसान के साथ। गांधी डिसाइडेड टू गो, तो गांधी जी ने वहां जाने का निश्चय किया, एंड सी, और उससे मिलने का या देखने का निर्णय किया। डिसाइडेड मीन्स निर्णय कर लेना, गो एंड सी का मतलब जाकर देखना। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, इसलिए अगले दिन सुबह गांधी जी एलिफेंट की बैक पर, यानी उस पीठ पर बैठकर, स्टार्टेड आउट मानी रवाना हो गया, फ्रेजल वर्ब है। तो गांधी जी है वो एक हाथी की पीठ पर बैठकर रवाना हो गए। ही हैड नॉट प्रोसीड फार, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था गांधी जी। नॉट ए सो फार यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया था। वेन द पुलिस सुप्रीडेंट्स, तभी पुलिस का जो सुप्रीडेंट है, पुलिस का उसका मैसेंजर यानी संदेशवाहक, मैसेंजर मीन्स संदेशवाहक, ओवरटूक हिम, पीछे से आगे आया
ओवरटुक का मतलब होता है पीछे से आगे आना। तो गांधी जी के पीछे से आया और गांधी जी जो एलिफेंट पर बैठकर जा रहे थे उसके आगे आकर गांधी जी को रोक दिया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज, कि वो कस्बे में वापस लौट जाए उसकी गाड़ी में बैठकर। कैरिज मानी जो गाड़ी मैसेंजर लेकर आया था सुप्रीडेंट का। उसने आदेश दिया कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि रिटर्न हो जाओ आप कस्बे में, जिस घर में मुख्यालय बना रखा है अपने मुख्यालय चले जाओ, पड़ोस के गांव में जाने की आवश्यकता नहीं। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड मानी मान लेना। तो गांधी ने उस मैसेंजर के इस ऑर्डर को मान लिया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर सीधा गांधी को उसके घर ले गया जिसको मुख्यालय बना रखा था। ड्रोव मीन्स गाड़ी चलाकर, तो संदेशवाहक गाड़ी चलाकर सीधा उसे उसके घर ले गया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पर सर्व्ड कर दिया गया, सौंप दिया गया एक ऑफिशियल नोटिस मानी एक सरकारी आदेश उसे सौंप दिया। टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, क्विट मानी छोड़ना, इमीडिएटली यानी तुरंत, और आदेश दिया कि तुरंत आप चंपारण को छोड़ दो। ये एक सरकारी आदेश उसको थमा दिया हाथ में मैसेंजर ने, जो संदेश वाहक बन के आया था सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, गांधी ने हस्ताक्षर कर दिए उस रसीद पर जो नोटिस किया सूचना की थी, यानी अपनी भाषा में कहें तो गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि सुप्रीडेंट का मैसेज मुझे मिल गया है। लेकिन साइन करने के साथ साथ रोट ऑन इट, गांधी ने उसके ऊपर कुछ लिख दिया, और क्या लिखा यही गांधी जी का महत्वपूर्ण कार्य था वहाँ पर। दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, डिसओबे मानी उल्लंघन करना, ऑर्डर मीन्स आदेश, कि वह आपके इस आदेश की कर रहा है अवहेलना, उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ गांधी जी ने जो विरोध किया उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो गांधी जी है वो किस जगह पर अपना मुख्यालय बनाया, तो मोतीहारी कस्बे के एक घर को उन्होंने बनाया अपना मुख्यालय। और वहाँ पर क्या कर रहा था गांधी जी, मुख्यालय बनाकर जांच पड़ताल करता रहा, तथ्य सबूत जुटाता रहा। और फिर गांधी जी पड़ोस के गांव में क्यों जाना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को सूचना मिली थी कि पड़ोस के गाँव में किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसलिए गांधी जी वहाँ मिलने के लिए जाना चाहते थे। इसी क्रम में नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इनकॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम ये निकला, गांधी रिसीव्ड सम्मन। इनकॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम, और सम्मन मीन्स आदेश। इसका परिणाम ये निकला कि गांधी जी को एक और सम्मन मिला। सम्मन का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, यानी किसी को आदेश देकर बुलवाना, और आदेश ये था टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जगे रहे। अवेक मीन्स जगे रहना, रिमेंड मानी रहे। तो गांधी जी पूरी रात भर सोए नहीं, जगे रहे। क्यों जगे रहे, वो प्लानिंग कर रहे थे कि आगे हम आंदोलन कैसे करेंगे। तो उसी से संबंधित पहला काम गांधी जी ने ये किया, ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद, उसने टेलीग्राफ किया, यानी टेलीग्राफ जो अति शीघ्र पहुंचने वाला समाचार होता है,
लेटर के माध्यम से वो राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ्ड किया कि टू कम फ्रॉम बिहार, कि तुम बिहार से यहाँ मोतीहारी आ जाओ विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंशियल माने प्रभावशाली जो दोस्त हैं उनके साथ। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आसरा, और साथ में उसने अपने इंस्ट्रक्शन है वो अपने आश्रम में भेज दिए। इंस्ट्रक्शन मानी निर्देश, क्या निर्देश भेजे? ही वाइड ए फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, कि इस पूरे घटनाक्रम की जो सूचना है वो रिपोर्ट बनाकर वायर्ड कर दी, तार भेज दिया। वायर्ड को अपनी भाषा में अपन कहते हैं तार, भेज दिया फुल रिपोर्ट के साथ वाइसरॉय को। वाइसरॉय भी एक पद का नाम है, तो वहाँ पर गांधी जी ने भेज दिया। मॉर्निंग फाउंड, सुबह देखा गया द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पिजेंट्स, कि पूरा मोतीहारी कस्बा है वो किसानों से भर गया। ब्लैक का मतलब यहाँ काला है, काले का मतलब वहाँ किसान इतनी बड़ी संख्या में आ गए कि सर ही सर नज़र आ रहे हैं। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, देवर्ड आया है वहाँ की जनता के लिए, वे नहीं जानते थे कि गांधी जी ने क्या रिकॉर्ड बनाया था साउथ अफ्रीका में। दे हैड मियरली हियर्ड, मियरली मीन्स ओनली, केवल, हियर्ड मानी सुना, दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा नाम का आदमी आया। वो गांधी जी को जानते नहीं थे, और गांधी ने क्या कारनामा साउथ अफ्रीका में किया, रिकॉर्ड का मतलब जो कार्य कारनामे उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में किए थे वो जानते नहीं थे, उन्होंने तो केवल सुना था। दैट ए महात्मा, कि एक महात्मा नाम का आदमी है, हु वॉन्टेड टू हेल्प देम, जो चाहता था हमारी सहायता करना, वॉज इन ट्रबल, वो परेशानी में पड़ गया, विद द अथॉरिटीज, उन अधिकारियों के कारण। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, इसलिए वो लोग स्वतः ही, स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप, स्वतः ही, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन करने आ गए इन द थाउजेंड, हजारों की संख्या में। गांधी जी ने उनको नहीं बुलाया था, उनको तो ये सूचना मिली कि महात्मा नाम का आदमी हमारी सहायता करना चाहता था, और यहाँ के अथॉरिटीज़ ने यानी अधिकारी गणों ने उनको ट्रबल यानी परेशानी में डाल दिया। अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिब्रेशन, और अराउंड द कोर्ट हाउस यानी जो न्यायालय था उसके चारों ओर वो लोग इकट्ठे हो गए, और वॉज द बिगनिंग, और ये थी गांधी जी की शुरुआत, देयर लिब्रेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, कि चंपारण के किसानों को ब्रिटेन के भय से मुक्त करने की। लिब्रेशन मानी आज़ादी, मुक्ति, फियर ऑफ द ब्रिटिश मानी ब्रिटेन के भय से मुक्ति दिलाने का, ये गांधी जी की थी शुरुआत। तो इस प्रकार गांधी जी का ये आंदोलन इतिहास में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, हिस्ट्री के अंदर, केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं पूरे विश्व में फेमस हो गया, जो चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, शेष जो इसका पार्ट होगा इस चैप्टर का वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ड्यू टू COVID-19 स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ दी।